नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारी इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। आज इस मंच पर मंचासीन आदरणीय सभी माननीय गण को और खासकर हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण, खासकर के सुनीता मैम जी को और यहाँ उमड़ा ये जन सैलाब, आप सभी को हूँ जोहार है। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।